नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जहां पर केवल तिल के तेल की ज्योत जलाने से ही संतान की प्राप्ति होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, हम यहां सिमसा माता डरोहा मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सिमसा माता का ये मंदिर डरोह में है, जो कि कांगड़ा जिला के पालमपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सिमसा माता यहाँ कैसे स्थापित हुई। एक दंपत्ति जोड़े को संतान नहीं हो रही थी। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद वो अपनी उम्मीद कम कर बैठे थे। फिर किसी के द्वारा उन्हें सिमसा माता मंदिर लड़भड़ोल की जानकारी मिली। वो दंपत्ति माता की सेवा में लग गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लगे। माता की कृपा से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। संतान प्राप्ति होने के बाद भी वे सच्चे दिल से माँ की भक्ति करते रहे। जब उनका पुत्र 1 साल का हो गया तो वो सिमसा माता मंदिर लड़भड़ोल में जातर चढ़ाने गए। इसके 1-2 दिन बाद सुबह के वक्त उस दंपत्ति के आंगन में एक छोटी कन्या नंगे पैर भिक्षा मांगने आई। जब घर से रविंदर कोरला की माता जी बाहर आई तो उस लड़की ने सिर्फ चीनी की कटोरी की मांग की और यह भी कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर रविंदर की माताजी नहीं मानी और जब उन्होंने पैसे देने के लिए अपना ट्रक खोला तो पैसे गायब थे, उस जगह फूल पड़े हुए थे। पहले तो माता ने यह सोचा कि यह कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की है। यह बात अपने घर के बाकी सदस्य को बताई। घर के सदस्य भी बाहर निकले और लड़की अभी भी आंगन में मौजूद थी। उन्होंने लड़की से पूछा कि आप कौन हो, तो उस लड़की ने कहा कि मैं सिमसा हूँ, लड़भड़ोल से आई हूँ। यह बात सुनकर सारे सदस्य हैरान हो गए। बाद में लड़की ने कहा कि जो आपके घर पुत्र पैदा हुआ उसके हाथों से मुझे पानी का एक लोटा दिलाओ। सारे सदस्य उस कन्या के चरणों में झुक गए। रविंदर ने अपने पुत्र के हाथों से जल का एक लोटा दिलाया। देवी ने कहा कि मैं आपकी सच्ची भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ। मैं आपके द्वारा दुखी लोगों और निसंतान दंपतियों का कल्याण करूँगी, इसलिए मैं आपके घर स्थान लेना चाहती हूँ। मुझे अपने घर के किसी कमरे में ले चलो। रविंदर जी उस कन्या को एक कमरे में ले गए। कन्या ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए और वहाँ धरती पर हाथ रखा, जिससे धरती पर दरारें पड़ गई, जो देखने में ऐसे प्रतीत होती थी कि धरती को लाइनों के द्वारा अलग कर दिया हो। बाद में माँ ने अपनी छोटी छोटी 2 उंगलियों से धरती को छुआ, जिससे धरती पर उनके निशान आ गए, जो आज भी हैं, और वहाँ उस धरती से माता जी की पिंडी उबर कर आई। बाद में माता सिमसा ने बताया कि मेरे स्थान में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और रविंदर बेहोशी की हालत में चले गए। उसके बाद जैसे तैसे लोगों को ये बात पता चली, लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने आने लगे। पहले 2-3 साल माता सिमसा मंदिर लड़भड़ोल मंडी, जो प्रमुख प्राचीन माता का स्थान है, उसके भांति सिमसा माता मंदिर डरोहो में भी औरतों को मंदिर में नवरात्रि पर धरती पर सोना होता था, जिससे उन्हें स्वप्न में माँ फल प्रदान करती थी। पर पंडित रविंदर कोरला जी घर में जगह कम पड़ने लगी क्योंकि हजारों की तादाद में लोग आते थे। उन्होंने सिमसा माता की आराधना की। फिर माँ रात को कोरला जी के स्वप्न में आई और कहा कि अब विवाहित जोड़ी ज्योति जलाने से सुख भोग पाएगी। इसके लिए उन्हें तिल के तेल की ज्योति जलानी होगी, जिससे उन्हें 27 दिन के अंदर ही स्वप्न में मेरे किसी भी रूप में फल मिलेगा, जिससे उन्हें 1 साल तक फल का परहेज करना पड़ेगा। और अगर स्वप्न में संतान बच्चे के रूप में आएगी तो उन्हें मीट शराब अंडे का परहेज रखना पड़ेगा। इसके बाद अब तक ऐसा होता आ रहा है। हजारों लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ और उनकी मन्नत पूरी हुई। मंदिर काफ़ी बड़ा बन चुका है और माता की महिमा और कृपा भी लोगों पर खूब बरस रही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।